सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला वेरिएंट। तो मैं आपको बता दूं, जब ये लॉन्च हुआ था फ़ोन नया नया, तो इसमें आया था 2 GB और 16 GB वाला वेरिएंट। अभी आ गया है आपको 3 GB और 32 GB वाला वेरिएंट। तो इस फ़ोन की मैं करने वाला हूँ आज क्विक अनबॉक्सिंग, क्योंकि फ़ोन में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। चेंज सिर्फ देखने को मिलेगा तो मिलेगा आपको रैम में और रोम में। तो मैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ोन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड, चलिए करते हैं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूं। तो यहां पे आपको सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट 32 GB लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको 16 GB वाला वेरिएंट भी आता है। तो यहां पे हाईलाइट कर दिया गया है कि ये 32 GB वाला वेरिएंट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4G LTE और VoLTE देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 3 GB रैम मिल जाएगी, 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 5.5-inch HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 32 GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी। मैं इसे फटाफट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इसे हमने पहले ही ओपन कर लिया, क्योंकि ये डिवाइस मेरे फ्रेंड का है। तो मैं इसे ओपन करके आपको क्विक अनबॉक्सिंग दे देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो मेन सबसे ऊपर मिल जाएगा हमारा फ़ोन, तो इसे कर देते हैं हम साइड में। तो ये है हमारा मेन फ़ोन, जो कि है गोल्ड कलर में। तो आपको यहाँ पे दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक और एक गोल्ड। तो ये देखिए, ये गोल्ड वेरिएंट में है, और इसमें मैंने पहले से ही टेम्पर ग्लास लगवा लिया है। और आप भी अपने डिवाइस में टेम्पर ग्लास लगा के रखिए, इससे आपका जो ग्लास है, जो फ़ोन है, और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं फ़ोन की। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये आपको 5.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा 720p पे। बात करें LED फ्लैश की, तो यहाँ पे आपको LED फ्लैश मिल जाएगी। यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा जो कि 5 मेगापिक्सल का है, यहाँ पे आपके सेंसर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका मेन ईयरपीस मिल जाएगी, और यहाँ पे आप सैमसंग का लोगो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट का की देखने को मिल जाएगा, ये फिजिकल होम बटन है, और यहाँ पे आपको बैक का बटन देखने को मिल जाएगा। बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको पावर की मिल जाएगी, जिससे आप अपने डिवाइस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लेफ्ट तरफ की बात करें तो वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएगा, जो कि प्लस और माइनस करने के काम आता है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा मेन माइक्रोफोन, जिसके थ्रू आप बात कर पाएंगे। यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जैक, जिसके थ्रू आप अपने म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। और वहीं पर बात करें ऊपर की, तो यहाँ पे आपको एक क्लीन स्क्रीन मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। पीछे देखें तो यहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपका मेन स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का आपका मेन कैमरा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको LED फ्लैश मिल जाएगी। और इस डिवाइस को अगर कर लें हम यहाँ पे ओपन, तो ये बैक टोटली रिमूव हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका मेन सिम लग जाएगा, SIM 1, यहाँ पे SIM 2, और यहाँ पे आप अपना SD कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ ऑन। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आप अपना डुअल सिम भी यूज़ कर पाएंगे और मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर पाएंगे, आपको यहाँ पे हाइब्रिड सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और इसे मैं कर लेता हूँ फटाफट ऑन। तो डिवाइस के ऑन होते तक मैं आपको बॉक्स की चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बॉक्स कंटेंट पे हमको क्या क्या देखने को मिल जाएगी, तो ये हमारा बॉक्स, इसे कर लेते हैं हम ओपन। तो सबसे ऊपर हमको देखने को मिल जाएगा क्विक स्टार्ट गाइड, तो इसे कर लेते हैं हम साइड में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका मेन चार्जर, जो कि 100 मिनट में आपको आपके 3000 mAh बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। तो इसे भी कर लेते हैं साइड में। उसके साथ साथ देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगी डाटा सिंकिंग के लिए केबल, ये देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये USB आप देख सकते हैं, USB पोर्ट देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये डाटा सिंकिंग और चार्जिंग के दोनों के काम आएगा, तो इसे भी कर लेते हैं हम साइड में। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ईयरफोन, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन ईयरफोन। तो ये आपको इन द ईयर वाला नहीं मिलेगा, ये आपको क्लासिक स्टाइल में मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसे भी कर लेते हैं हम फटाफट साइड में। और ये हो गया हमारा बॉक्स खाली, इसे कर लेते हैं साइड में। और ये हमारा मेन फ़ोन, ये देख सकते हैं। तो इसे मैं फटाफट कर लेता हूँ सेटअप और जल्दी से आता हूँ आपके पास। तो फ्रेंड, हमारा फ़ोन हो गया सेटअप। तो फ़ोन बिल्कुल सेम है, आपको सेम 16 GB जैसा ही देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। तो सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ अबाउट फ़ोन में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मॉडल नेम है SM J701F। तो आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो डिवाइस नेम है गैलेक्सी J7 नेक्स्ट। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।
तो अबाउट फोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एंड्रॉयड वर्जन 7.0 नोगट का मिल जाएगा, सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 8.1 मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें इसके डिवाइस मैनेजमेंट की तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोरेज की मैं अगर बात करूँ तो आप स्टोरेज में देख सकते हैं कि ये देखिए आपको मिल जाएगा 32 GB। मैं आपको यहाँ पे फोकस करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 32 GB का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रैम की बात करें तो मैं उसे भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मेमोरी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये चेकिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए 1.3 GB यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा, और ये 3 GB रैम वाला वेरिएंट है। तो मेन चीज़ यही थी कि आपको बताना था, कि क्विक अनबॉक्सिंग देना था, क्योंकि बाकी तो डिवाइस में सब सेम ही है, जो 16 GB में आपको मिलता है वही चीज़ें हैं। तो बस आपको मेन चीज़ ये बताना था कि इसके बॉक्स में क्या क्या मिल जाएगा, क्विक अनबॉक्सिंग करनी थी, और आप लोगों को ये बताना था कि इसका वेरियंट है 3 और 32 GB वाला। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं बहुत जल्द इस डिवाइस का एक गेमिंग रिव्यू लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इसमें 3 GB रैम दिया हुआ है। तो मुझे ये देखना है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये डिवाइस कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।